हम आपको बताएंगे कि एनआईए के छापे में गिरफ्तार गाजीपुर के वसीम के सहयोगी ने यूपी तक को क्या बताया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इलाहाबाद में लगातार 17 दिन से चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने एक किस्म से दावा किया है, 4 गुना फीस वृद्धि के बदले 250-300 का फॉर्मूला दिया है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे सदन का सबसे अच्छा वीडियो, जिसे आप देखकर कह सकते हैं किस तरीके से दो धुर विरोधी ठहाके लगाकर हंसने लगे। नमस्कार, मैं हरजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करते हैं एनआईए के छापे की। लगातार देश भर में एनआईए पीएफआई के जो लोग हैं उनके खिलाफ छापे मारकर उनकी गिरफ्तारी कर रही है। ऐसी ही एक गिरफ्तारी गाजीपुर से हुई। गाजीपुर से मोहम्मद वसीम को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया और उनके ऊपर पीएफआई की फंडिंग और तमाम आरोप लगे हैं। ऐसे में जब एनआरसी का मुद्दा चल रहा था तब एक बार और गिरफ्तारी हुई थी मोहम्मद वसीम की, और उनके साथ ही गिरफ्तार हुए थे उनके सहयोगी या कह सकते हैं उनके साथ धरना प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शोएब। यूपी तक के संवाददाता संतोष शर्मा ने बात की मोहम्मद शोएब से। उन्होंने बताया कि आखिर क्या है उनका पक्ष और मोहम्मद वसीम का पक्ष, आइए आपको सुनवाते हैं। वसीम गिरफ्तार नहीं गए हुए थे, गिरफ्तारी दिखाई गई थी। गिरफ्तारी मैंने पहले भी कहा, वसीम का पीएफआई का फंड मैंने पहले कहा है कि पुलिस हो या जांच एजेंसियां हो, ये एविडेंस क्रिएट करती हैं, एविडेंस कलेक्ट नहीं करती हैं। तो एविडेंस क्रिएट किया गया था कि मुझे वसीम के साथ गिरफ्तार दिखाया गया था 20 तारीख की सुबह। क्या आरोप लगाए गए थे वसीम के ऊपर, क्या आरोप थे, क्या वो पीएफआई का कनेक्शन किसी के ऊपर? ये था कि धरने में गए और वहां दंगा कराया और दंगा किया, जिसमें कुछ आगजनी हुई, किसी पर हमला हुआ जानलेवा, ये आरोप है। और आरोप सिर्फ आरोप है, निराधार है। चार्जशीट लगी उस मामले में? चार्जशीट लगी, चार्जशीट में तो में भी यही आरोप लगाया, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो अपराध है। एक चीज ये बताइए कि वसीम क्या पीएफआई के कनेक्शन में था? पीएफआई से उसका कनेक्शन बताया गया? वहदेदार थे और उनसे मेरी बातचीत भी होती थी। और किसी भी क्या नाम है धरना प्रदर्शन को लेकर के उनसे बात होती थी, तमाम संगठनों से मेरी बात होती थी और मिलजुल करके ही सब लोग करते थे, कोई भी धरना प्रदर्शन करते थे। सीएनआरसी के दंगे में जो लोग संगठन शामिल हुए थे उनको कहा जा रहा है कि पीएफआई ने फंडिंग की थी। हमें तो कोई फंडिंग नहीं कहीं से हुई, क्या पीएफआई क्या और किसी ने कोई फंडिंग नहीं की है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ पीएफआई ने किसी को फंडिंग की है, वो खुद भी लोगों से चंदा करके ही काम करते हैं जहां तक मेरी जानकारी है। तो रही बात एनआईए और पीएफआई फंडिंग को लेकर लगातार पड़ रहे छापे में, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इसको लेकर एक तरीके से माहौल गर्म है। और अब कहां माहौल गर्म है ये भी हम आपको बताते हैं। बात करें अगर दूसरी खबर की तो वो खबर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 17 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन क्यों चल रहे हैं? दरअसल वहां पर फीस में वृद्धि की गई है। छात्रों का दावा है कि 4 गुना तक फीस बढ़ा दी गई और इसके बाद लगातार छात्र आंदोलनरत है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कुछ बार कुछ छात्रों ने जान देने की कोशिश भी की, कई किस्म की घटनाएं सामने आई, गेट बंद कर दिए गए, गेट के ताले तोड़ दिए गए, ये तमाम चीज़ें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चलती रही हैं। और इस बीच लगातार 17 दिन से प्रदर्शन जारी। इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए एक दिन पहले कुलपति सामने आती हैं और वो एक तरीके से सफाई देती हैं और बताती हैं कि क्या स्थिति है, और वो छात्रों से अपील करती हैं कि इस पढ़ाई की प्रक्रिया को जारी रखा जाए, आंदोलन खत्म किया जाए। ऐसे में हमने बात की पीआरओ से। पीआरओ का ये कहना है कि जो ये पूरी फीस वृद्धि का फॉर्मूला है वो दरअसल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोई 4 गुना फीस नहीं बढ़ाई गई है बल्कि कुछ 250-300 रुपए बढ़े। सुनिए क्या कह रही हूँ। 12 रुपए थी प्रतिमाह ट्यूशन फीस। हम सिर्फ ट्यूशन फीस का लेते हैं क्योंकि बाकी सारे उसी उसमें आ जाएंगे, कंपैरिजन में आ जाएंगे। तो जो 12 रुपए थी वो बढ़ के अब 50 रुपए हुई है। यानी कि अगर हम उसे 4 गुना देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे 4 गुना नहीं देखें तो हम मात्र ये देखेंगे, और जैसा कल कुलपति महोदय ने जो फिगर्स रिलीज़ किए उससे समझ में आता है कि ये प्रति माह जो छात्र है उसके ऊपर सिर्फ 150-200 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। 300+ रुपए की फ़ीस हर महीने अब छात्र को देनी पड़ रही है। तो ये बढ़ी हुई फीस अगर 300+ रुपए है
तो 4 गुना और 400 गुना का आप खुद ही मैथमेटिक्स देख लीजिए। ये दावा है प्रशासन का, लेकिन छात्र अपने तरफ अडिग हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो फीस बढ़ाई गई है उसको घटाया जाए। एक तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगातार आंदोलन जारी है और 17 दिनों से माहौल काफी गर्म है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के सदन से। जिन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के आप लगातार सदन से लेकर सड़क तक आपस में तूतू मैं कहिए या एक बहसबाजी कहिए या कहिए एक दूसरे का विरोध करते हुए देखा है, उनको आज आप एक अलग रूप में देखें। दरअसल सदन में हुआ यूं कि योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे और उस बीच अखिलेश यादव ने टोका, और जो टोका टाकी हुई वो इतना मजाकिया था कि ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ हंसने लगे, उनके साथ हंसने लगे अध्यक्ष सतीश महाना, साथ ही साथ सपा और भाजपा दोनों खेमों के लोग यानी कि पक्ष और विपक्ष सदन में हंसता हुआ दिखाई दिया। देखिए अभी मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी, आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे और जो भी आपको आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य जरूर हो सदन, ये सब बातें कैसे जानते और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा। लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए हैं। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? धन्यवाद। तेन अध्यक्ष महोदय जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने? तो अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि इस बहस को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके हम रोचक भी बनाए, और क्योंकि लोगों का आज इस ओर बहुत जिज्ञासा होगी और उस सकारात्मक दिशा को हम आगे बढ़ा सकेंगे तो अच्छा होगा, अभिनंदनीय होगा, समाज के लिए प्रेरणादायी हो पाएगा और सदन की कार्रवाई को फिर इसी प्रकार के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े मुद्दों को हम आगे बढ़ा पाएंगे तो यह प्रदेश के हित में भी होगा, विधायिका के भी हित में होगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा से मिलेगी। तो ये रहा आज का यूपी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।